हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑनलाइन मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में। इसमें क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, एंट्री करने के प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस होता क्या है? एनी इनक्लोजर हैविंग ए लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एक्सिट एंड इट इज नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी। यानी कि कोई ऐसा इंक्लोजर जिसमें लिमिटेड मीन्स होता है, सीमित साधन होता है एंट्री का और एग्जिट करने का, और वो कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं होते हैं, मतलब लगातार काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। जैसे कि हम कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रोसेस वेसल, टैंक्स, बीन्स, स्टैक्स, लार्ज पाइप, डक पाइप, या फिर कोई ऐसा एक्सकवेशन जिसका डेप्थ 1.2 मीटर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स। यानी कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। मेनली बहुत सारे हजार्ड्स होते हैं, बट यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे मेन मेन हजार्ड्स के बारे में। जैसे कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है एक कन्फाइंड स्पेस में, 19.5 से लेकर 23.5 के बीच में ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ फ्लैमेबल मटेरियल, टॉक्सिक गैस, कॉरोसिव मटेरियल्स, जैसे कि H2S गैस होना, NH3 गैस होना, पुअर इल्यूमिनेशन का मेन कॉज हो सकता है, वेंटिलेशन की कमी होती है, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होता है, लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट होता है, मतलब सीमित आने और जाने का रास्ता होता है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर में, फॉलिंग और ट्रिपिंग हजार्ड होता है, और भी बहुत सारे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने का क्या प्रोसेस होता है। ओके, सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले हमारे पास एक वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्वेंटली गैस टेस्ट इज टू बी कैरिड आउट टू कन्फर्म दैट एरिया इज फ्री ऑफ टॉक्सिक गैस और फ्लैमेबल एटमोसफियर। यानी कि फ्लैमेबल गैस टेस्ट होना जरूरी है ये कन्फर्म करने के लिए कि जो कन्फाइंड स्पेस है, जो एरिया है, वो टॉक्सिक गैस और फ्लैमेबल एटमोसफियर से तो फ्री है, उसमें कोई टॉक्सिक गैस का प्रेजेंस तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इफ द एरिया इज कंटेमिनेटेड और इट हैज ऑक्सीजन डेफिशियंसी, द प्रोवाइड BSATs और एयरलाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि अगर एरिया जो है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो हमें एयरलाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट, कंडक्ट प्री टास्क मीटिंग फॉर द एम्प्लॉयज हु विल बी एंटरिंग इनसाइड द कन्फाइंड एरिया एंड गेट देयर सिग्नेचर टू कन्फर्म दैट दे आर अवेयर ऑफ द हजार्ड्स एंड सेफ्टी मीटर। यानी कि सभी वर्कर्स जो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री लेने वाले हैं उनके साथ एक प्री टास्क मीटिंग कंडक्ट करना है और उनका साइन उस पेपर पे जरूर लेना है, ताकि इससे ये कन्फर्म हो जाए कि वो क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उससे वो अवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट, द अटेंडेंट स्टैंड बाई मैन टू असाइन एट द एंट्रेंस, A logbook shall be maintained at the entrance to keep track of the people inside the space. मतलब जहां पे कन्फाइंड स्पेस का एंट्री होता है वहां एक एंट्रेंट स्टैंड बाई मैन खड़ा रहते हैं और उनको एक logbook प्रोवाइड किया जाता है जो रिकॉर्ड रखते हैं कितने लोग अंदर गए, कितने लोग कन्फाइंड स्पेस से बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द एंट्रिंग पीपल शुड यूज बॉडी हार्नेस विथ लाइफ लाइन फॉर द इमरजेंसी रेस्क्यू पर्पज। यानी कि जो भी व्यक्ति अंदर कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं उनको बॉडी हार्नेस पहनना है, वो भी लाइफ लाइन के साथ अटैच होगा, क्योंकि इनकेस अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें रेस्क्यू करने में हमें मदद मिले। नेक्स्ट पॉइंट, एनी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और टूल्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 24 वोल्ट एंड अटैच्ड विद GFCI और ELCV। यानी कि अगर इल्यूमिनेशन की कमी है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, इन उस केस में हमें लाइटिंग प्रोवाइड करना है और ये भी एश्योर करना है कि जो भी लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हो 24 वोल्ट से ज़्यादा ना हो और उसमें GFCI या फिर ELCV भी अटैच हो। और लास्ट पॉइंट, बैरिकेड करना है हमें एरिया को और उसके अंदर अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री नहीं करने देना है। तो डैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।